हेलो एवरीवन, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MAFEC के इस यूट्यूब के पेज पर। और मैं राघिब नौशाद आप लोगों के सामने आया हूँ अभी इसलिए चूँकि आपका एग्ज़ामिनेशन अभी होने वाला है 25 जून को। द एग्ज़ामिनेशन ऑफ BLLB ऑफ JMI इज़ गोइंग टू हैपन। और सभी बच्चे बड़े परेशान होंगे, अभी एग्ज़ामिनेशन का आखिरी वक्त है, तो मैंने सोचा कि ज़रा एक वीडियो बनाया जाए कि आखिरी के 14-15 दिनों में जो अभी आपके बचे हैं उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन को अपने रखना है, रिवीजन किस तरह से करना है। क्योंकि आप चाहे साल भर पढ़िए और 6 महीने पढ़िए, जब आप लास्ट में ठीक ढंग से उस चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें फिर बेकार चली जाती हैं। कोई फ़ायदा नहीं है फिर इतना ज़्यादा पढ़ने का जब आप उसको सही ढंग से रिवीजन ना कर सकें और उसको एग्ज़ामिनेशन में फिर एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे आप। तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे ऑब्ज़र्व किए, तो उसमें मैंने क्या देखा कि स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी करंट अफेयर्स और GS में। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स में मैंने देखा कि दे आर नॉट स्कोरिंग वेल। एंड एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो देर आर चांसेस एंड मैक्सिमम चांसेस आर देर के यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन लीगल एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन लीगल एप्टीट्यूड। आपको लीगल में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि लीगल एक ऐसा सेक्शन है कि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा लॉ एंट्रेंस के लिए वो लीगल तो सबसे पहले पढ़ता है। और लीगल में लिमिटेड चीज़ें भी होती हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी मच हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन लीगल। तो लीगल अगर आपका सही है तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जिसका लीगल सही है वो कॉम्पिटिशन में है, और अगर आपका लीगल ही सही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इन कॉम्पिटिशन। तो लीगल तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों का सही है। अगर नहीं है थोड़ा सही, क्योंकि 40 मार्क्स का लीगल है तो गुड वेटेज और आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है ये लीगल में। और जिसका भी सिलेक्शन होगा लीगल में वो 30, अगर 40 का एग्जामिनेशन है आपका, 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो नॉट लेस देन 30 उसको लाना चाहिए। 30 से कम अगर ला रहा है तो कंपटीशन से वो थोड़ा बाहर हो सकता है, क्योंकि करंट और GS एक ऐसा सेक्शन है दो जिसमें बहुत प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को मार्क्स लाने में। करंट अफेयर्स में लास्ट टाइम हमने देखा कि करंट अफेयर 2018-19 से भी पूछ दिया गया, और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा UPSC टाइप काइंड ऑफ भी क्वेश्चन दे दिया गया था, तो बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वो। तो पहला चीज़ है कि लीगल तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सही है, अगर नहीं सही है तो फिर आप उसको रिवाइज कब कीजिएगा। लीगल GK ज़रूर कीजिए, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी दीजिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड तो ठीक है प्रिंसिपल देख करके भी आप बना लेंगे और जो आपने इतने दिनों में प्रैक्टिस किया होगा। रही बात आती है करंट अफेयर्स की और जनरल स्टडीज़ की, तो मैं करंट अफेयर्स की पहले बात करता हूँ। 30 मार्क्स करंट अफेयर्स में अब क्या करना है कि हमने जितना पढ़ा अभी तक पढ़ लिया, अब एक सजेशन मेरा आपके लिए ये है कि डोंट रीड एनीथिंग न्यू इन करंट अफेयर्स, जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड इन दिस स्पैन ऑफ 6 मंथ्स और 1 ईयर। जो भी आपने पढ़ा है बस रिवीजन करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आप नया करेंगे ना तो उसके चक्कर में कन्फ्यूज़न होगा और फिर आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, और आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, तो एक लिमिटेड चीज़ों पे ही लेके चल सकते हैं आप। तो जो आपका 6 महीने का पुराना करंट अफेयर्स है, अब 2 साल पुराना आ जाएगा तो दैट इज़ नॉट इन हैंड, है ना। एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जामिनेशन विल फेस द सेम डिफ़िकल्टी इन द एग्जामिनेशन विच यू विल फेस। 2 साल पहले का आएगा तो उनके लिए भी दिक्कत है, आपके लिए भी दिक्कत है। तो डोंट रश टू दोज करंट अफेयर्स विच आर ऑफ 2019 एंड 2020, उतना नहीं करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या कोशिश करना है कि एटलीस्ट अभी एग्जामिनेशन आपका होना है तो कम से कम दिसंबर से लेकर के और मई तक का, नवंबर ले लीजिए, नवंबर से लेकर के मई, 7 महीने चलिए हमने ले लिया, कि ये करंट अफेयर्स तो आप कर ही लें। और मैं मानता हूँ, एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपने किया है, तो ये 6-7 महीने का आप करना क्या कि रेगुलर रिवीजन करना है हमको। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तब भी मैं आपको एडवाइस करूँगा GK 2 डेज ले लीजिए, उसके मंथ के 240 क्वेश्चंस आते हैं, आजकल 120 दे रहा है वो मॉक टाइप का क्वेश्चन, आप वो भी देख करके रटिए करंट अफेयर्स। और हम क्या कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में, आपको मैं क्या बताऊँ। उसके अलावा जैसे दृष्टि IAS है, वो भी 2 फेजेस में देता है 15-15 दिनों का, 160-170 टोटल करंट अफेयर्स होते हैं।
तो 15 दिनों में आप शेड्यूल बनाइए कि 15 दिनों में अगर 6 महीने का मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ तो एवरी डे मुझे कम से कम तो 3 महीने का करंट अफेयर्स करना ही करना है। 3 महीने का मतलब 500 करंट अफेयर्स। और एक एक बैठ के रटिए मत, जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग दैट वन रीड इज़ नो रीड। तो वन रीड करने में ही सबको आप अगर 6 दिन लगा दीजिएगा तो फिर दिक्कत की बात है। तो मैं कहूँगा कि 3 महीने का आप 1 दिन में पढ़िए करंट अफेयर्स, ठीक है। बस गो थ्रू होइए, रटना नहीं, गो थ्रू हुए 1 दिन में 3 महीना हो गया, अगले 2 दिन में 3 महीना। अब आपने 6 महीने का 2 दिनों में करंट अफेयर्स कर लिया, फिर तीसरे दिन फिर रिपीट कीजिए उस 3 महीने को, फिर चौथे दिन फिर उसको रिपीट कीजिए, फिर इस तरह से रिपीटेशन कीजिएगा। तो एटलीस्ट अगर 4 बार आप उसको रिवाइज कर लेते हैं और 4 बार रीड कर लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि यू विल मार्क करेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन इफ एनी क्वेश्चन विल कम आउट फ्रॉम द सोर्स विच यू आर रीडिंग। क्योंकि करंट अफेयर्स का तो कोई एक आध ही सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, 4-5 सोर्स ज़्यादा कीजिएगा तो अभी के वक्त में कुछ नहीं होने का है, लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन है। तो मैं यही कहूँगा जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं किया है वो भी यही करें, और जिन्होंने किया है उनका जो सोर्स है प्लीज़ आप उससे स्टिक रहेंगे। क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए से बात कर रहा हूँ अभी, जो बच्चे ज़्यादा उनको गाइडेंस नहीं मिली है और परेशान है आखिरी वक्त में, सब हो जाते हैं। तो अब आइए, ये तो हमने आपको करंट अफेयर्स का बता दिया सिनेरियो, जिनका ऑलरेडी अब जैसे कोई MA FSC के बच्चे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप अपने कंपेडियम को रिवाइज़ कीजिए, आप जो क्लास में अभी चल रहा है उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ की ओर, हम आते हैं GS। अब GS जो है ना, बड़ा ही मैं मानता हूँ कि डायनेमिक एक सब्जेक्ट है, और आज के ज़माने में जिस तरह से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया जामिया के लॉ में, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन वॉज मतलब अ बिट हाई, अ गुड स्टैंडर्ड क्वेश्चन वेर आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो वॉट यू कैन डू के अब वॉट नॉर्मली स्टूडेंट्स डू, दे जस्ट रश ऑन द सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चन वेर आस्क इन द अर्लियर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, वो कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था, तो अब आप जाइएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट और साइंस पकड़ के उठा के पूरा पढ़ रहे हैं, नो डोंट डू दैट, क्योंकि लास्ट का टाइम है और आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। बिकॉज मैक्सिमम इफ देर आस्किंग 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, और वहीं अगर पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वाई टू वेस्ट योर टाइम ऑन साइंस जो सिर्फ 3 नंबर का है। लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसके लिए ज़्यादा टाइम दें। तो कोई भी काम करना है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सही मिल रहा है तो करेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से उठाने हैं? पॉलिटी, पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको मार्क्स देगा, बिकॉज द सिलेबस इज लिमिटेड। वी नो दैट कि यस देर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी नो दैट हु वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तो दीज आर द बेसिक स्टैटिस्टिक्स विच यू कैन रीड फ्रॉम एनी सोर्स वॉट एवर यू आर फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल के आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बहुत सारे के पॉलिटी MCQs आप डाल दीजिए, यूट्यूब पे लिखिए, वहाँ से भी ओपन हो जाएगा, आप 1.25 के स्पीड से देखते जाइए, क्या कर सकते हैं। लास्ट का रिवीजन मैं बता रहा हूँ, और जो बच्चे ऑलरेडी उनका सोर्स है रिवीजन कीजिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको GS में मार्क्स देगा। अब पॉलिटी के अलावा दूसरी बात करते हैं हम, जैसे हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में अब एंसियंट और मेडियाइवल से आजकल देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। एंसियंट तो खास करके बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, थोड़ा सा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और एंसियंट में अगर मैं बात करूँ अशोका का पीरियड देख लीजिएगा, गुप्ता पीरियड देख लीजिएगा, ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मेडियाइवल में आ जाते हैं कि हाँ दिल्ली सल्तनत वगैरह एक बार देख लेंगे, अगर आपका कोई सोर्स नहीं है तो यू कैन ऑल्सो रेफर लूसेंट ऑल्सो, वहाँ से भी आप गो थ्रू हो लेते हैं। बाकी अब ज़ीरो पे हैं आप, तो फिर अब मैं आपके लिए क्या कहूँ, अब ज़ीरो पे हैं, अब मैं कोई नया सोर्स आपको बता दूँ पढ़ने के लिए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो कोशिश आपको ये करना है कि आप MCQs लगाइए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे हैं तो आप MCQs लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस डालिए, मीडियावल हिस्ट्री MCQs फॉर SSC एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके अलावा क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज़ में आपको वो मिलेगा जो करंट से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ कि लता मंगेशकर, अभी हाल ही में उनका डेथ हुआ है कुछ महीने पहले, तो नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन लता मंगेशकर। अब क्या पूछ सकते हैं लता मंगेशकर से कि इन विच ईयर लता मंगेशकर गॉट भारत रत्न अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ देखिए, स्टैटिक का क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन बना है ना,
बट करंट से उठा करके बना। दूसरी चीज़ आते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अ लेडी, अ फीमेल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बीबी नागरत्ना बनने वाली हैं। तो अब इससे क्या है कि पुराने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहली जज कौन थी महिला सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में, हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस फीमेल कौन रही हैं, ठीक है। तो स्टैटिक करंट से जो है ना रिलेट करके स्टैटिक आजकल एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, तो थोड़ा उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। मतलब जब आप करंट पढ़िएगा तो थोड़ा उसके स्टैटिस्टिक्स पे फॉल थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जैसे अब आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, रिलीज़ हुआ, तो रिलीज़ हो गया, आपने पढ़ लिया कि हाँ भैया 150 रैंक है इंडिया का। तो ऑल्सो रीड के विच इज़ द इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज दिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये करंट से स्टैटिक आपसे टच करके और पूछ दे रहा है आपके जनरल स्टडीज़ में। तो इस पर ज़्यादा आजकल एग्जामिनेशन फोकस कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस विच वेयर आस्क्ड इन द अर्लियर एग्जामिनेशन, जो आजकल अब थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दे कैन फेच यू गुड मार्क्स। मॉडर्न हिस्ट्री से आज भी 5-7 सवाल तो आते ही आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं। मेडिएवल में मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ऊपर से कर लेना, दिल्ली सल्तनत थोड़ा देख लिया, अकबर वगैरह के बारे में देख लिया, थोड़ा सा बैटल कौन कौन सा हुआ था इंपॉर्टेंट, पानीपत वगैरह का बैटल है, बक्सर का है, हल्दी घाटी है, तराइन है, तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ी हमने देख ली, ठीक है। अब कुतुब मीनार किसने बनवाया, शुरू किसने कराया, ये रेड फोर्ट किसने बनवाया, तो थोड़ा सा स्टैटिक बेस्ड वो सब तो ट्रेडिशनल है, वो सब करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि वो आपने कर लिया होगा। ये करंट वाले स्टैटिक को थोड़ा सा कर लीजिएगा, जो बच्चे जिनको दिक्कत परेशानी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और ये तो हमने आपको जनरल स्टडीज़ का बता दिया कि ज़्यादा एकाद नंबर का कोई अगर आ गया था तो उस पर फोकस मत करो। हाँ, अगर पहले से आप अगर देख लेते कंप्यूटर वगैरह के भी एकाद क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन लास्ट ईयर, उससे पहले नहीं आया, तो आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। अगर आप कम टाइम में, अब बच्चा पढ़ता चला जा रहा है साइंस और वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है, वो भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, मैग्नेट पढ़ रहा है, तो दैट इज़ यूजलेस, रिडिकुलस, डोंट डू दैट। उसके बाद आइए इंग्लिश एंड पहले इंग्लिश की बात करते हैं, देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में व्हाट यू डू, देखो आपका इंग्लिश जो है लीगल मैगजीन तो हर साल पूछता ही पूछता है। लास्ट ईयर 2021 में दे आस्क्ड 5 लीगल मैगजीन क्वेश्चंस, एंड इन द ईयर 2020 दे आस्क्ड 10 लीगल मैगजीन क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 इंग्लिश। तो मतलब समझ रहे हैं कि इट क्रिएट्स डिफरेंस, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो लीगल मैगजीन 60-70 होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, गूगल पे भी आप MCQ आप डालिएगा गूगल पे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिएगा लीगल मैगजीन को, क्योंकि वो आपको मार्क्स दिलाएगा, मतलब कम पढ़ के मार्क्स श्योर शॉट ला सकते हैं आप उसमें। 2020 में तो स्पेलिंग भी पूछ लिया था लीगल मैगजीन का, तो थोड़ा उस पर ध्यान रख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकेबलरी से दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम से। तो लास्ट मोमेंट पे मैं यही कहूँगा कि एक एग्जाम वेदर करके वेबसाइट आता है, तो यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वेबसाइट, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम के यू विल रीड न्यूज़पेपर्स एंड द बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज, यू डोंट हैव मच टाइम टू फॉलो दो सोर्सेज, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया, लीगल मैगजीन कर लीजिएगा, वो कैब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ग्रामर की बात रही तो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए अब जाके नया ग्रामर मत पढ़ने लगिए, जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही आपका वहाँ पे काम करने वाला है। अगर पैसेज आ गया तो वो तो आप कर लेंगे। अब आइए मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ्स में बड़े कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जिसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट मोमेंट पे बच्चे आप कर लेना 3-4 दिन पहले। मैं बताता हूँ आपको, जैसे एवरेज क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये 5 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। और एक तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 5 तो मैंने आपको बताया कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में बात करें तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इन एनी ईयर इन एनी एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, तो देख लीजिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, दैट इज़ नंबर सीरीज विच आई नोटिस्ड। तो नंबर सीरीज का देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन देख लीजिएगा, क्लॉक वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगर आप डोंट डू दैट, क्योंकि उतना टाइम नहीं करने का, तो उस पर रश मत कीजिए, ठीक है। बाकी आप बहुत बच्चे हैं, उनको मैथ्स और रीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए कैलेंडर जा कर के पढ़ रहे हैं और क्लॉक पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन इन सच सिचुएशन व्हेन यू हैव ओनली 15 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। नो, ये तो हमने आपको ओवरऑल बताया। अब देखो मार्क्स कैसे हम आपको बता रहे हैं कि ईजिली आप कट ऑफ क्रिएट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, बड़ा आसान। हमने आपको लीगल मैगजीन बताया इंग्लिश में, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। 30 में इफ़ यू आर स्कोरिंग 15 मार्क्स ओनली, 50%, 15 हो गए। अब आइए लीगल, हमने लीगल में क्या बताया है? कि अगर कोई बेसिक एक बच्चा तैयारी करता है लॉ का, तो ही और शी मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ थ्रू विच दे कैन फेच गुड मार्क्स इन लीगल, लाइक 30 मार्क्स इफ दे आर स्कोरिंग इन लीगल। तो 15 इंग्लिश प्लस 30 इन लीगल, देन इट इज 45, 45 नंबर आपके हो गए। नाउ कम टू GS, GS 40 मार्क्स का है। इफ यू आर बैड एट जनरल स्टडीज, आप 20 मार्क्स भी अगर स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 40, मतलब 50% भी स्कोर कर रहे हैं, तो 45 प्लस 20 इट इज 60, ठीक है। और करंट अफेयर्स 30 का है, तो करंट अफेयर्स भी आपका बुरा हो रहा है, 15 मार्क्स ही आप स्कोर कीजिए, तब भी कितना हो गया, 65 प्लस 15 80। और मैथ्स और रीजनिंग 10 नंबर का होता है एवरेज मान लो, क्योंकि अच्छे बच्चे तो 8-9 तो लाएंगे, वो तो उसको समझ रहे होंगे कि यार वो तो हमारा मार्क्स करेगा ही करेगा, नहीं भी करेगा 10 में 5 भी, इफ यू आर स्कोरिंग 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85, मतलब ईजिली यू कैन क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स। बिकॉज लास्ट ईयर व्हाट वी हैव सीन, दैट स्टूडेंट हु गॉट 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज ही गॉट एडमिशन इन जामिया लॉ, तो कभी भी 80 से मैं देख रहा हूँ कि 80 से ज़्यादा बहुत नहीं कट ऑफ जा रहा है। जनरल की बात करें तो हाँ 85-87 लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ रहा है जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिला है। बाकी मुस्लिम कैटेगरी की बात करें तो 75-76 पे भी स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन, ठीक है, लास्ट ईयर। तो मैंने कितने आसानी से आपको बताया, लेकिन इतना आसान होता नहीं है जब तक आप पूरी अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से कर रहे होंगे, चाहे वो मेरा खुद का स्टूडेंट हो और चाहे वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, अगर वो स्टूडेंट डिज़र्विंग है, उसने मेहनत की है, तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप एकदम भरोसा रखें अपने ऊपर। कोई अगर MAFSC के अंदर पढ़ रहा है और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना ईमानदारी से, तो वो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखा जाए। और आप अगर हमारे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आपने ईमानदारी से की है, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से आपने पढ़ाई की है, तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। जो मैंने चीज़ें बताई उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और रिवीजन का वक्त है, तो जितना मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें आप मेमोराइज करेंगे लिमिटेड। एंड डोंट रश टू एनी न्यू टॉपिक। कोई नई चीज़ आपको मिल रही है and the cost benefit ratio is not good, then don't do that, just revise whatever you have read in the previous 6 months. So, or I am really sorry that I was not available for you all since last 2 months, I guess, because I was busy somewhere, तो इस चक्कर में मैं आ नहीं पा रहा था और आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि मैं रहूं और इस तरह से बात करता रहूं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा कुछ बिजी शेड्यूल के चक्कर में जो है, काफ़ी हेक्टिक ज़िंदगी चल रही है अभी मेरी, थोड़ा परेशान हूं मैं, तो इस चक्कर में मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से। लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि मैं इंटरेक्शन करूंगा, कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपको अभी लास्ट मोमेंट पे कोई कुछ लग रहा है, इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन सच टॉपिक और एनी टॉपिक विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और भी कोई बात है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे और उसी हिसाब से आगे रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, ठीक है, चलते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, और मैं राघिब नौशाद आपसे विदा लेता हूँ।